फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए किया एक विवादास्पद चार्टर जारी। क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इस्लामिक धर्म गुरुओं पर लगाम लगाने की कर रहे हैं तैयारी? और भारत भी क्या ऐसी ही इस्लाम विरोधी चार्टर लाने की कर रहा है तैयारी? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे आपको अपनी इस खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रुचि पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दुनिया दरबार। फ्रांस में बीते दिनों इस्लाम धर्म को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कई विवादास्पद बयान दिए थे। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति के विरुद्ध इस्लामिक देशों में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए और अब फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में रह रहे मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए एक रिपब्लिकन मूल्यों का चार्टर जारी कर दिया है। क्या है वह चार्टर जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति मुस्लिम प्रतिनिधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या भारत भी ऐसी ही कुछ करने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब आज आप पाएंगे हमारी इस खास पेशकश में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की। चीन का कारखाना उत्पादन 3 साल में सबसे तेज गति से बढ़ा है। नवंबर महीने में चीन का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बढ़कर 52.1 तक पहुंच चुका है। ये सितंबर 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। अब दूसरी सुर्खी की खास खबर जुड़ी है बहुत अहम फैसले से, शंघाई सहयोग संगठन की सोमवार को हुई बैठक। इस बैठक में चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव परियोजना का भारत ने फिर से विरोध किया है। तीसरी बात है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और व्हाइट हाउस में सलाहकार इवांका ट्रंप ने भारत को लेकर अपनी यादें साझा की हैं। साल 2017 में हुए ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए इवांका भारत आई थी, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। इस इवेंट के 3 साल होने पर इवांका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश साझा किया है। अब आज की आखिरी सुर्खी में जानिए कोरोना अपडेट। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार जारी है। अब तक 6.31 करोड़ लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि इस जानलेवा महामारी से विश्व में अब तक 14,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने देश में कट्टरपंथी इस्लाम को नष्ट करने के लिए एक रिपब्लिकन मूल्यों के चार्टर को मुस्लिम प्रतिनिधियों से स्वीकार करने की बात कही है। बुधवार को राष्ट्रपति मैक्रोन CFCM यानी फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ के 8 नेताओं से मिले और 15 दिन के भीतर रिपब्लिकन मूल्यों के चार्टर को स्वीकार करने की मोहलत दी है। मैक्रोन ने अपनी बात में कहा कि फ्रांस में इस्लाम केवल एक धर्म है, इस धार्मिक भावना में राजनीतिक सियासत को हटा देना चाहिए। फ्रांस में इस्लाम की आड़ में विदेशी हस्तक्षेप पर जल्द से जल्द प्रतिबंध भी लगा देना चाहिए। पिछले महीने फ्रांस में लगातार हुए 3 संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी हमलों के बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति का ये कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के चार्टर के साथ एक बिल का प्रस्ताव भी रखा है। चलिए अब जानते हैं कि इस नए बिल में ऐसा क्या है जो फ्रांस में विवादास्पद है। इस बिल में जो मुख्य बातें लिखी हैं, उनमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि धार्मिक आधार पर सार्वजनिक अधिकारियों को डराने धमकाने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा, साथ ही बच्चों को घर में पढ़ाए जाने पर रोक लगाई जाएगी। दूसरी बात ये कही गई है कि हर बच्चे को उसकी शिनाख्त के लिए एक नंबर दिया जाएगा, ताकि इस बात पर नजर रखी जा सके कि वो स्कूल जा रहा है या नहीं। कानून तोड़ने वाले माता पिता को 6 महीने की जेल के साथ साथ बड़े जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बिल की तीसरी मुख्य बात ये है कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को इस तरह से साझा करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसके कारण उन्हें उन लोगों से नुकसान हो सकता है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बता दें कि मुस्लिम समुदाय में इस पर नाराजगी जताई गई है और बीते दिन 18 साल के चेचन मूल के एक युवा ने शिक्षक की सर काटकर हत्या कर दी थी। फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ यानी CFCM के नेताओं ने राष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि वो चार्टर जल्द ही तैयार कर लेंगे। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CFCM सरकार में मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली अकेली बड़ी संस्था है, जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त है और जिसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने 2003 में की थी। इस संस्था में मुस्लिम समुदाय की तमाम बड़ी जमातें शामिल हैं। फ्रांस की कुल आबादी में लगभग 10% मुसलमानों की संख्या है, जो यूरोप में मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है।
फ्रांस के अधिकतर मुस्लिम इसकी पूर्व कॉलोनी मोरक्को, ट्यूनिशिया और अल्जीरिया से आकर यहाँ बसे, लेकिन समुदाय की दूसरी और तीसरी पीढ़ियाँ फ्रांस में ही पैदा होंगी। फ्रांस के कई लोग मानते हैं कि CFCM संगठन के संबंध विदेशों से भी हैं, और साथ ही ये आम मुसलमान के हक के लिए काम करने में नाकाम भी रही है। ये केवल एक ऊपर से थोपी हुई संस्था है। फ्रांस के राष्ट्रपति जिस प्रकार फ्रांस के कट्टर इस्लाम को अलग रखने और देश में धर्म और सियासत को अलग रखने के प्रयास में जुटे हैं, उससे फ्रांस पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। सोचिए क्या हो अगर भारत में भी इस्लाम के कट्टरपंथियों के विरुद्ध सरकार ऐसा ही एक चार्टर जारी कर दे। क्या हो अगर भारत में भी इस्लाम के धर्म गुरुओं की राजनीति और सियासत में बेवजह दखलंदाजी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि मुसलमान कट्टरवादी इस्लाम से फ्रांस की लड़ाई में ये चार्टर सहयोगी साबित होगा या नहीं। भारत की बात करें तो भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, और यहाँ सरकार का कोई कदम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मुस्लिम अपने ऊपर थोपने जैसा देखे। अब फ्रांस में ये चार्टर कामयाब हो पाएगा या नहीं, या फिर इसके खिलाफ आ सकती हैं नकारात्मक प्रतिक्रियाएं, ये सभी सवाल लगभग विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में बस इतना ही, लेकिन मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेके। बस आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम दुनिया दरबार। धन्यवाद।